1120-22 में लीजिए 1100 या 1090 का स्टॉप लॉस, 1250 का टारगेट। दूसरा होएगा टेक महिंद्रा, यहाँ पे 960 और 65 में इकट्ठा कीजिए, 1035 का टारगेट, 1040 का टारगेट। और तीसरा है HDFC बैंक, अनक्वेश्चनेबली इट विल बी द लार्जेस्ट गेनर ऑफ एवरीथिंग ऑन निम्स एंड डिपॉजिट्स। बाय HDFC बैंक अराउंड दिस 1380-1400, डू अ सिप फॉर द नेक्स्ट 15 डेज, यू विल बी रिचली रिवॉर्डेड। आज का ट्रेडिंग पिक है IOC, 90.5-91 में लीजिए, 88 का स्टॉप लॉस है, 97-98 का टारगेट। और आपको मैंने एस्कॉर्ट्स बोल ही दिया है, आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन द ट्रैक्टर सेल्स बिकॉज दे विल बी सच अ पेंट अप डिमांड इन द कमिंग वीक्स एंड मंथ्स, वेर द इन्वेंट्री विल be, you know, they will be, and they've already raised prices, so margins will be very very strong for the likes of Escorts and Mahindra. चलिए, ये रणनीति आपके सामने आती हुई दिख रही है इन काउंटर्स पर, जहां पर अगले दो हफ्ते आपको खरीदारी करनी है सिप के जरिए। और एक और अच्छी बात ये है भसीन साहब, जैसे ही आप आए तो हरा निशान आपको HCL टेक में आता हुआ दिख रहा है, 7-8 दिन की गिरावट है, अब आपके सामने 901। क्या आपका व्यू इस काउंटर में SIP के लिए चेंज हुआ या अभी भी बरकरार है? बिल्कुल, और आपको मैं देखिए 900-902 में पहले भी कहा था 900 भी, उसके बाद 1055 बिक गया है, और मैं अभी भी कहता हूँ 1200 का टारगेट होएगा। IT विल बी द बिगेस्ट गेनर अलोंग विद लार्ज बैंक्स एंड ऑटोस, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है क्वेश्चनेबली। उसमें आप ऐड कर लीजिए टेक महिंद्रा, आई थिंक IT में आपने देखा ही नहीं, टेक महिंद्रा का बेस्ट विल कम ऑन द टेलीकॉम वर्टिकल्स। तो मुझे लगता है ये जो 965-60 का आपको एक मौका मिला है, इसमें आपको खड़े पांव 10% की तेजी दिख सकती है इन द नेक्स्ट 3 months। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर इस वक्त लॉजिकली आप किस चीज को चेज कर रहे हैं, कहां पे अच्छा रिवॉर्ड नजर आ रहा है आपको इस वक्त, आपके दो टॉप कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त के? गुड आफ्टरनून वीरिंदर, तो पहले तो मुबारक दीजिए कि आपको सुबह जब इतनी जूझ रहे थे, आपको कहा था बाजार रिकवर कर जाएगा, और मार्केट ने वापस हमारे को दिखा दिया है कि दिस इज अ पेसिमिज्म इज द टाइम टू बाय, वैक्सीन इज अराउंड द कॉर्नर, in the next 3 months you will be left with nothing but only you will be able to have a good opportunity to have accumulated good stock. So do diggaj naam le raha hu main, jo main keh raha hu, maine sit ke liye bhi kaha tha, HDFC bank unquestionably the biggest bank is going to be the largest, 1412-15 mein lijiye, 1383 ka stop loss, 1475 ka bhav aapko kal hi aapko dikh jayega. Dusra largest insurance company now in the private sector HDFC life, 668 se 670 mein lijiye, 661 का स्टॉप लॉस है, और टारगेट 715 से 720। HDFC लाइफ इज बीन एन आउट परफॉर्मर, एंड जो उसके जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है आर द हाईएस्ट, तो आई थिंक HDFC बैंक लाइफ इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय बोथ दी स्टॉक। आपके लिए सिप दिया था Escorts, IOC इज अप 2.5%, यू कैन बुक प्रॉफिट बट कीप अ ट्रेडिंग स्टॉप प्रॉफिट, एंड आई टोल्ड यू Escorts टेक महिंद्रा में सिप कीजिए, 1200 का भाव Escorts का आपको इस महीने में दिख जाएगा, और टेक महिंद्रा 1035। दोबारा आपको खरीदारी की राय मिल रही है डिप्स में। भसीन साहब, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा शुगर सेक्टर में, क्या तेजी देख रहे हैं आप, कोई पसंदीदा काउंटर इस स्पेस में हो तो वो भी शेयर कीजिए। अरे सर, यही तो मैं कह रहा हूँ, आप स्टील देखो, शुगर देखो, सीमेंट देखो, आप बोलिए तो क्या चीज नहीं चल रही, और बैंक्स जो सबसे बड़े प्रॉक्सी हैं उनमें देखिए क्या रिजल्ट आ रहे हैं। तो शुगर में एज ए डिस्क्लोजर, मेरे पे बलरामपुर चीनी और एक छोटा सा शेयर 6 रुपए पे है, बजाज हिंदुस्तान, लेकिन एज ए डिस्क्लोजर ये हमारे पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और हम इसे हाथ नहीं लगाएंगे। इस भाव पे मैं चेस करते हुए कुछ कह नहीं सकता, बट डिक्लाइंस पे ये दोनों शेयर को ऐड कीजिए, बट फ्लेवर ऑफ द डे इज टू बाय बोथ द HDFC ट्विन, द लाइफ एंड द बैंक। संजीव जी स्वागत है आपका। निफ्टी मात्र 43 अंक नीचे, 14,540 के आसपास। जैसे जैसे बाजार को यह आभास होता है आप हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, सारे बेयर्स जो हैं वो दौड़ते हुए दिखते हैं आपको अपनी अपनी गुफाओं में। बताइए क्या रणनीति आज के लिए? गुड मॉर्निंग शैलेंद्र जी, आपको भी और सारे व्यूअर्स को भी, और सबको हम यही कहते हैं कि बहुत जल्दी सा ये जो निराशा है आशा में बदल जाएगी, नंबर घटने शुरू हो जाएंगे। अगले दो हफ्ते की बात है, मई एंड में आपको गारंटी करता हूँ 15,200 के पास होएंगे अगर निफ्टी, और स्टॉक्स विल बी आउट परफॉर्म। तो ये समय है अच्छे शेयर लेने का। ऑटोज पे मैं बहुत बुलिश हूँ, जितने नंबर आए हैं ऑलरेडी डिस्काउंटेड है कि मई का भी वीक हो सकता है, बट दिस इज द टाइम टू पुट क्वालिटी स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो।
पोर्टफोलियो, मैं यहाँ एक ट्रेडिंग पिक दूंगा और तीन स्टॉक्स दूंगा जो शैलेंद्र जी जिसमें आपको सिप करना चाहिए, 15 दिन के लिए सिप करेंगे और जून के महीने में एंड ऑफ मे में यू विल बी लाफिंग योर वे। सबसे पहला होगा एस्कॉर्ट्स, 1120-22 में लीजिए, 1100 या 1090 का स्टॉप लॉस, 1250 का टारगेट। दूसरा होगा टेक महिंद्रा, यहाँ पे 960 और 965 में इकट्ठा कीजिए, 1035 का टारगेट, 1040 का टारगेट। और तीसरा है HDFC बैंक, अनक्वेश्चनेबली इट विल बी द लार्जेस्ट गेनर ऑफ एवरीथिंग ऑन NIMs एंड डिपॉजिट, बाय HDFC बैंक अराउंड दिस 1380-1400, डू अ सिप फॉर द नेक्स्ट 15 डेज, यू विल बी रिचली रिवॉर्डेड। आज का ट्रेडिंग पिक है IOC, 90.5-91 में लीजिए, 88 का स्टॉप लॉस है, 97-98 का टारगेट। और आपको मैंने एस्कॉर्ट्स बोल ही दिया है, आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन द ट्रैक्टर सेल्स बिकॉज दे विल बी सच अ पेंट अप डिमांड इन द कमिंग व्यू वीक्स एंड मंथ्स, वेर द इन्वेंट्री विल बी यू नो दे विल बी एंड दे ऑलरेडी रेज प्राइसेज, सो मार्जिन विल बी वेरी वेरी स्ट्रांग फॉर द लाइक्स ऑफ एस्कॉर्ट्स एंड महिंद्रा। चलिए, ये रणनीति आपके सामने आती हुई दिख रही है इन काउंटर्स पर, जहां पर अगले 2 हफ्ते आपको खरीदारी करनी है सिप के जरिए। और एक और अच्छी बात यह है भसीन साहब, जैसे ही आप आए तो हरा निशान आपको HCL टेक में आता हुआ दिख रहा है, 7-8 दिन की गिरावट है, अब आपके सामने 901। क्या आपका व्यू इस काउंटर में SIP के लिए चेंज हुआ या अभी भी बरकरार है? बिल्कुल, और आपको मैं देखिए 900-902 में पहले भी कहा था 900 भी, उसके बाद 1055 बिक गया है और मैं अभी भी कहता हूँ 1200 का टारगेट होएगा। IT विल बी द बिगेस्ट गेनर अलोंग विद लार्ज बैंक्स एंड ऑटोस, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है क्वेश्चनेबली। उसमें आप ऐड कर लीजिए टेक महिंद्रा, आई थिंक IT में आपने देखा ही नहीं, टेक महिंद्रा का बेस्ट विल कम ऑन द टेलीकॉम वर्टिकल, तो मुझे लगता है ये जो 965-60 का आपको एक मौका मिला है, इसमें आपको खड़े पांव 10% की तेजी दिख सकती है इन द 3 months। आपको काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और अभी इन दोनों ट्रेड्स पर याद रखिए, स्पेशली HCL टेक्नोलॉजीज काफी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, और याद रखिए भसीन साहब ने जो कॉल्स दी हैं इस पर आपको थोड़ा सा कैपिटलाइज करना है और SIP मॉडल पे काम करना है, स्पेशली जैसे कि उन्होंने HDFC बैंक का जिक्र किया। आइए अब शो में समझते हैं कि बाजार के लिए कल स्ट्रेटेजी क्या रहे, अनिल जी से जानते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स क्या रहेंगे। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 125 अंक ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, तो कल जब हम सुबह लौटेंगे तो एक अमेरिकी बाजारों का हाल और उनके फ्यूचर्स उस पर तो नजर होगी ही, दूसरा कोरोना के आंकड़े कितने निकल कर आते हैं वो भी हम देखेंगे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अहम होंगे आंकड़े FIs की खरीदारी के। आज के सेशन में क्या वाकई में FIs ने दमदार खरीदारी की है, शॉर्ट कवरिंग की है, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। और इसके दम पर आप कह सकते हैं निचले स्तरों पर 14,425-14,475 निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 14,725-14,775 ये कल के लिए पहला टारगेट होगा। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 32,100 सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 32,700-33,000 ये वो रेंज है जहां पर जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। तो ढेर सारे ट्रिगर्स के बीच में नतीजों का सीजन भी पूरी तरह से है, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन वहां तो दिखे गई, लेकिन कैश मार्केट के स्टॉक्स में मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अब भी भरपूर एक्शन आगे जारी रहने की आप उम्मीद कर सकते हैं, और वहीं पर ट्रेडर्स का फोकस भी होना चाहिए।